Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So by the title आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप फाउंडेशन रूटीन, फाउंडेशन, कंसीलर एंड कंटूरिंग, मतलब जो बेस मेकअप होता है उसकी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ये बिगनर्स मेकअप लुक है और बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप एक फ्लॉलेस मेकअप अचीव कर सकते हो. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. और अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं. So as I always mention in my videos that prep your skin before doing any kind of makeup. You have to use a nice toner, moisturizer and a sunscreen if you're doing a daytime makeup. अगर आप रात का मेकअप करते हो तो avoid using sunscreen. आई एम सो सॉरी, मैंने ऑरेंज करेक्टर की आपको क्लिप नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं वो डिलीट कर चुकी थी गलती से. तो मैंने यूज़ किया ऑरेंज करेक्टर क्योंकि मेरे स्किन पे हल्की सी अनइवननेस थी. तो अगर आपकी स्किन पे कोई भी डार्क पैचेस हैं या आपके डार्क सर्कल ज़्यादा है तो आप ज़रूर ऑरेंज करेक्टर यूज़ कीजिए. अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है तो आप कोई भी मैट ऑरेंज लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो. उससे आपके जो भी डार्क सर्कल्स होंगे वो कंसील हो जाएंगे और जब आप लेयरिंग करोगे फाउंडेशन एंड कंसीलर की तो वो बहुत आसान तरीके से छुप जाएंगे, बिल्कुल भी पीक नहीं होंगे. एंड इफ़ यू हैव पिंक स्पॉट्स ऑन योर फेस मेक श्योर टू यूज़ अ ग्रीन करेक्टर और उससे आपके पिंक स्पॉट्स बिल्कुल हाइड हो जाएंगे. ये बहुत अच्छा काम करता है आपकी अनइवननेस को हाइड करने के लिए क्योंकि कभी कभी हमारे जो फाउंडेशंस होती हैं वो नहीं हाइड कर पाती हैं हमारे अनइवन स्किन को. सो ऑरेंज करेक्टर या ग्रीन करेक्टर बहुत ही अच्छा मेथड है आपके अनइवननेस को हाइड करने के लिए. और ऑरेंज करेक्टर को मैं सेट करूँगी यूजिंग ट्रांसलूसेंट पाउडर सो दैट इट डज़ नॉट मिक्स विद माई फाउंडेशन. Now I'll be using foundation which is from NYX और मैं इसको स्टिपलिंग मेथड पे लगाऊंगी. पहले मैं फाउंडेशन को लगाऊंगी अपने गर्दन पे. अगर आपको कभी भी फाउंडेशन टेस्ट करनी हो गाइज ऑलवेज़ यूज़ ऑन योर नेक, डोंट यूज़ ऑन योर हैंड्स और योर रिस्ट. ओके, ऑलवेज़ यूज़ ऑन योर नेक. अगर वो ब्लेंड हो जाए आपके नेक में तो दैट्स योर शेड. टू अप्लाई माई फाउंडेशन आई बी यूजिंग मिनीसो ब्रश और ये बहुत ही डेंस है तो इससे मेरी फाउंडेशन बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगी. ये बहुत ही चीप ब्रश है गाइज, बहुत ही अच्छा काम करता है ये फाउंडेशन को लगाने के लिए. अगर आप स्पंज यूज़ करना चाहते हो गो अहेड, बट स्पंज मेक श्योर करें कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फाउंडेशन को सोक कर लेता है. आई समटाइम्स लव यूजिंग स्पंज एज वेल बिकॉज दैट गिव्स अ एयर ब्रश फिनिश. तो मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी लाइक उसको अच्छे से बफ़ कर दूँगी विद अ स्पंज. डोंट फॉरगेट योर नेक एरिया. नाउ नेक एरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने फाउंडेशन में डाले थे थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ वेट एंड वाइल्ड लिक्विड हाईलाइटर. उससे बहुत ही ड्यूई एंड ग्लो इफेक्ट आता है क्योंकि जो नेक्स की फाउंडेशन है वो थोड़ी सी मैट है. तो अगर आप कोई भी फाउंडेशन को ड्यूई बनाना चाहते हो तो आप कोई भी अच्छा इल्यूमिनेटर, लिक्विड इल्यूमिनेटर उसके साथ मिक्स कर सकते हो. मैं अपनी फाउंडेशन को अपने फेस पे रहने दूंगी कम से कम 15 से 20 मिनट तक सो दैट कि जो मैं लेयरिंग करूं प्रोडक्ट्स की तो उससे पैचीनेस ना हो मेरी स्किन पे. फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद मैं लगाऊंगी कंसीलर. कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर. नाउ दिस कंसीलर हैज़ अ पीच अंडरटोन. अब पीच अंडरटोन या येलो अंडरटोन आपके डार्क सर्कल्स को बहुत अच्छे से हाइड कर देता है गाइज. अगर आप कोई भी लाइट कंसीलर यूज़ करोगे अपने स्किन टोन से 2 to 3 शेड्स लाइटर यूज़ करोगे दैट विल नॉट हाइड, दैट विल इनफैक्ट मोर हाईलाइट योर फेस. आपके डार्क पैचेस को और हाईलाइट करेगा. तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप पहले आप अपने स्किन से मैचिंग हुआ कंसीलर लगाइए और उसके बाद आप हाईलाइटिंग वाला कंसीलर लगाइए. तो आपको क्या करना है, कंसीलर को अपने अंडर आइज़ के नीचे कम से कम 2 से 3 मिनट रहने देना है, इसको सेट होने देना है एंड देन यू लेटर ऑन ब्लेंड इट. उससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी कवरेज प्रोवाइड हो जाती है. Before my concealer sets into my creases, I will make sure that I have to set it, okay? Now you have to set it with a nice translucent powder. मैं अपने पहले फिंगर की हेल्प से क्रीजेस को हटा दूंगी, उसके बाद एक सेटिंग पाउडर से इसको सेट करूंगी. नाउ यूजिंग अ ट्रांसलूसेंट पाउडर और लूज पाउडर का ये बेनिफिट है कि कोई भी केकीनेस नहीं होगी, बहुत आराम से आपका कंसीलर सेट हो जाएगा और कोई पैचीनेस नहीं होगी आपके फेस के ऊपर. तो आपको मेक श्योर करना है डैम्प स्पंज लीजिए. डैम्प इन सेंस कि आपको एक रनिंग वाटर के नीचे स्पंज को रखना है. रिमूव द एक्सेस वाटर, बिल्कुल डैम्प होना चाहिए, ठीक है. उससे आप अगर आप पाउडर को उठाते हैं तो एक तो बहुत ही एयर ब्रश फिनिश आती है आपके फेस के ऊपर और दूसरा कि जितना लगना है पाउडर उतना ही लगेगा क्योंकि बाकी वो स्पंज सोक कर लेता है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी ऑलवेज़ यूज़ अ नाइस डैम्प स्पंज टू अप्लाई अ फेस पाउडर, आई मीन टू से ट्रांसलूसेंट पाउडर। और मैं अपने पूरे फेस को भी सेट करूँगी यूजिंग द सेम पाउडर, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छी फिनिश आती है मेरे फेस के ऊपर। और जो मैं लेयरिंग करूँगी पाउडर्स की, जैसे कि कॉन्टोरिंग या ब्रॉन्जर की, तो बहुत सीमलेसली वो ब्लेंड हो जाएंगे। अगर मैं क्रीम प्रोडक्ट्स के ऊपर पाउडर लगाऊंगी देन इट विल बिकम वेरी वेरी पैची एंड विल नॉट ब्लेंड एट ऑल, बहुत ही गंदा लुक आता है वो। सो मेक श्योर करें बिल्कुल हल्के हाथ से ही डस्ट करें, बट ज़रूर पाउडर लगाएं, और वो भी ट्रांसलूसेंट या कोई भी लूज़ पाउडर। फॉर द ब्रॉन्जर आई बी यूजिंग दिस ब्रॉन्जर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, और इसको मैं लगाऊंगी मिनीसो के एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। और ये ब्रश बहुत ही अच्छा है, आपको ब्रॉन्जर के लिए ऐसा ही कुछ फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करना चाहिए। इस लुक में मैं आपको कॉन्टोरिंग नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बिगनर्स के लिए आई थिंक ब्रॉन्जर वाली लुक ही सही रहेगी इसलिए। और इसको आपको सर्कुलर मोशन में लेके जाना है। एंड डोंट फॉरगेट योर टेम्पल्स गाइज, टेम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं सिर्फ चीक्स पर लगाते हैं, फोरहेड पर लगाते हैं, तो आपके जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पर आप नहीं लगाओगे तो बहुत अनइवन सा लगता है वो। तो मेक श्योर करें आप ब्रॉन्जर अपने टेम्पल्स, अपने फोरहेड, अपने चीक बोन्स, यू हैव टू मेक अ 3 इन शॉर्ट, ओके, फोरहेड से चीक्स एंड उसके बाद जॉ लाइन तक। वैसे तो मैं नोज़ कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ, बट जो लोग करना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी भी आप जब नोज़ कॉन्टोरिंग करें तो आप अपने जो आपके इनर कॉर्नर्स होते हैं आइज़ के, वहाँ से आप कनेक्ट कीजिए अपने नोज़ कॉन्टोरिंग को, उससे बिल्कुल सीमलेस लगता है एक तो आपका फेस, और दूसरा जो ब्लेंडिंग होती है, और ऐसा नहीं लगता कि आपने नोज़ कॉन्टोरिंग अलग की और आपका आई मेकअप अलग है, तो बिल्कुल एक अच्छी लुक आ जाती है। और जिनका नोज़ लंबा है जैसे मेरा, तो आप उसकी टिप पर भी कॉन्टोरिंग कर सकते हो, सो दैट इट लुक्स स्मॉलर। अगर आपको कभी भी लगे आपने एक्सेस कर लिया है मेकअप, टेक अ डैम्प स्पंज एंड जस्ट रन इट ऑल ओवर योर फेस एंड यू विल डेफिनेटली गेट दैट सीमलेस फिनिश, क्योंकि वो सारी पाउडरीनेस रिमूव हो जाती है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लश फ्रॉम मिलानी, इट्स कॉल्ड ल्यूमिनोसो, और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ इस एंगुलर ब्रश की हेल्प से। ये ब्रश बहुत ही अच्छा रहता है ब्लशेस लगाने के लिए या इनफैक्ट कॉन्टोरिंग करने के लिए भी, क्योंकि इसका एंगुलर फॉर्म में होता है और बहुत आसानी तरीके से आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पे प्लेस करना है अपना पाउडर। तो मैं इसको लगाऊंगी कि इसके अंदर हाइलाइटेड टिंट भी है, तो इसलिए अगर आपके पोर्स ज़्यादा इन्हांस्ड हैं तो प्लीज़ डोंट यूज़ सच काइंड ऑफ ब्लशेस, क्योंकि आपके पोर्स को और हाईलाइट करेगा। यूज़ अ मैट ब्लश इफ़ योर पोर्स आर वेरी लार्ज, मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, ओके। जिसके पोर्स बिल्कुल कम हैं वो ऐसे ब्लशेस यूज़ कर सकते हैं, पर जिनके ज़्यादा हैं तो प्लीज़ अवॉइड करें ऐसे सैटिन टिंट वाले ब्लशेस। अब हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया है ये स्लीक हाइलाइटर, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट हैज़ दिस 4 शेड्स, और इसमें से ये मैं शैम्पेन कलर ले रही हूँ, और इसको मैं बिल्कुल टॉप पे लगा रही हूँ अपने चीक बोन्स के। जब मैं स्माइल करूँ तो वो बिल्कुल हाइलाइटेड इफेक्ट आना चाहिए मेरे फेस पर। और अगर आपके लार्ज पोर्स हैं, अगेन आई विल नॉट रिकमेंड यूजिंग हाइलाइटर ऑन योर चीक्स, बॉल्स ऑफ योर चीक्स। आप इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लगाइए, बिल्कुल आइज़ के पास वाला जो एरिया होता है वहाँ पे लगाइए, एंड आपके पोर्स बिल्कुल हाइलाइटेड नहीं होंगे। टू सील माय मेकअप आई विल यूज़ सेटिंग स्प्रे। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गाइस, क्योंकि आप चाहते हो आपका मेकअप काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहे, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज़ अ नाइस सेटिंग स्प्रे, एंड विद द डैम्प स्पंज आई विल रिमूव ऑल द एक्सेस पाउडरीनेस, और मेरा फेस लगे, ऐसा ना लगे कि मैंने मेकअप का मास्क पहना है। एंड लुक एट दैट फिनिश, कितना ब्यूटीफुल ग्लो आ रहा है मेरे फेस पर। और ये लिपस्टिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन की लिपस्टिक है, नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ ही दूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको ये हेल्प करे स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स गाइड, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड लीव योर वीडियो सजेशंस डाउन बिलो इन अ कमेंट बार। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन विद अ ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल। टिल देन यू स्टे हैप्पी, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई लव यू ऑल सो मच। टेक केयर गाइस, बाय।